अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सबर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स डू द बिजनेस। आइए आज हमारे साथ मौजूद है एक बिजनेसमैन, इसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या बिजनेस करते हैं और कब स्टार्ट किया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपका नाम? मोहम्मद नुमान ताहिर। जी नुमान ताहिर साहब, आप क्या बिजनेस करते हैं? मैं जानवरों की फीड का करता हूँ, मुख्तार फीड के नाम से। तो जानवरों के दूध के दूध वगैरह के काम आती है, फ्लावर के काम आती है, और जानवरों के जो से बच्चे होते हैं छोटों के लिए उनकी खुराक भी होती है हमारे पास। और आप मुझे ये बताएं, हमारे व्यूअर्स को भी ये बताएं कि वंडा होता क्या है? वंडा जैसे पहले दौर में होती थी खल वगैरह जिसे हम कहते हैं, जी जी, उसकी जगह पे अब वंडा निकला है। सही। जो मकई सोयाबीन और शीरा और कई किस्म मिला के ना केमिकल मिला के तो वो तैयार किया जाता है दूध के लिए। दूध के लिए भी होता है और फ्लावर के जानवर की फ्लावर के लिए होता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जानवर फ्लावर यानी गोश्त के लिए? गोश्त के लिए। सही सही। तो वंडा जो होता है ये कौन से जानवरों को डालना चाहिए, कौन से जानवर नहीं देना चाहिए? मकसद ये कहने का कि ये जो वंडा है ये सिर्फ कुर्बानी के जानवरों को नहीं डालना चाहिए या मुख्तलिफ जानवरों को भी डाल सकते हैं, वो जानवर बता दें। जो गाय होती है जो दूध देती है, हाँ जी, उनको भी डाल सकते हैं आप। सही। कुर्बानी के जानवरों को डालता है जो हमारा 26 नंबर है इस टाइम। जी जी। जो है हमारा 26 नंबर में गोश्त के लिए। सही सही। पंजाबी जबान में, हाँ जी, गोश्त के लिए वो 26 नंबर यूज होता है। जो लोग फार्म वगैरह में यूज करते हैं, जी जी, जो लोग आजकल बेंच को बनाते हैं इसका कट्टा फार्म हो गया। सही सही। तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। ये 3 महीनों का ब्लॉक होता है जानवरों का। हाँ जी। जो मतलब की कट्टा फार्म होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जो 24 नंबर है हमारा, हाँ जी, वो दूध के लिए इस्तेमाल होता है। जानवरों का अगर मतलब के दूध की मिकदार जो उनसे ज्यादा बढ़ाने के लिए। और हमारे पास 20 नंबर होता है जो जानवरों के मतलब गाय वगैरह के बच्चे वगैरह होते हैं, जी जी, उनकी सेहत के लिए। जो लोग वैसे फार्म वगैरह में यूज करते हैं कि दूध नहीं बच्चे को पिलाते, खुराक इस्तेमाल करवाते हैं, उसके लिए भी होता है। आप ये वंडे का कारोबार कब से कर रहे हैं? तकरीबन हमें 5 साल हो गए जी। तो जैसे छोटे लेवल का बिजनेस हो, जी जी, एक बंदा वंडे काम करना चाहता है, आपकी फ्रेंचाइज है, ठीक है, मुख्तार वंडा, जी जी, तो एक बंदा छोटे लेवल पर काम करना चाहता है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए एक बंदे को वंडे का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तकरीबन 2 से 2.5 लाख की। तो इससे आप कितना कमा सकते हैं मंथली या डेली बेसिस पे, आप कितना कमा सकते हैं मंथली? अगर वो काम पे डिपेंड करता है, अगर आपका मतलब काम ज्यादा है, फार्म लेवल पर हो रहा है, तो आप डेली का भी 40-50 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। कमा सकते हैं जी। सही। तो एक वीक में मतलब के आप अगर अपना 1000 थैला मतलब के सेल करते हैं, जी जी, तो उसमें से आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती है। वैसे अगर आप एक माह में 2000 थैला अगर सेल करते हैं, तो उसकी मतलब के आपको बोनस देंगे कंपनी वाले, जो उनसे होते हैं वो 2000 थैले पे बोनस देते हैं। सही जी। तो आप डेली कितना कमा लेते हैं या मंथली बेसिस पे कितना कमा लेते हैं? हमारा तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक होता है। यानी मंथली आप कमा लेते हैं? कमा लेते हैं। माशाल्लाह। कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी ज़्यादा ही होता है, कम तो अल्लाह का शुक्र है। अब हमारा सीज़न गुजरा है ना सर्दियों में, तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख तक भी आया था। यानी वनडे का सीज़न जो होता है वो सर्दियों का होता है? सर्दियों का होता है 6 माह। और गर्मियों में क्या रूटीन रहती है? गर्मियों में ठीक रहता है, तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख की भी बच जाता है, प्रॉफिट होती है उसमें काम। एक बंदा 2 से 2.5 लाख में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता कर सकते है, बशर्ते कि एरिया अच्छा हो। एरिया अच्छा हो जहाँ पे वंडे की खपत ज़्यादा हो, लोग खरीदें, यानी फार्म डेयरी फार्म हो गए या गोश्त के पर्पस लिए जो जानवर पाले जाते हैं उनके लिए, वहाँ पे अगर एक दुकान या शॉप डाली जाए तो ये इनफ है। जी जी। यानी आप 40 से 50 हज़ार इजली कमा सकते हैं मंथली। मंथली ठीक हो गया। देखा व्यूवर्स, ये थे हमारे साथ नुमान ताहिर साहब, इनसे बातचीत की हमने, तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूँगा। इनकी शॉप है अरवा रोड बाईपास पे,
मुख्तार मंडे के नाम से यहाँ पे इनकी फ्रेंचाइज है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।